टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया। हाँ जी, रेखा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किसानों के जो किसानों ने दिल्ली के अंदर संघर्ष लड़ाई से छेड़ रखी है, संघर्ष शुरू कर रखा है, जो ये केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं जो किसानों के बहुत ही नुकसानदायक है, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान उजड़ जाएगा, बेघर हो जाएगा, और सरकार ने केंद्र सरकार ने हट कर रखी है, जबकि सारा देश आज किसानों के साथ खड़ा है और ये एक ही मांग है भी इन तीन काले बिलों को जो कानून बनाया वो उसको वापस ले। और किसानों ने 15 दिन हो गए दिल्ली के अंदर डेरे डाले, सरकार ट्रस्ट से मस नहीं हो रही, और उस में रेखा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा भी हम राशन भेज रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें हैं, मसाले भी हैं, आटा भी है, चीनी भी है, दाल भी है, सब्जियां भी है, घी भी है, और चीनी भी है, बिस्कुट भी है, कम्बल भी है, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये क्योंकि वहाँ एक सहयोग है, लेकिन लोग जनता जो है आज किसानों के साथ, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो रेहड़ी वाला है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे दलित है, चाहे बैकवर्ड है, सरकार और तो और सरकारी कर्मचारी भी इनके साथ आए, और सरकार जो है कुंभकर्ण की भांति सो रही है। और हमारी सबकी मांग है इस कानून को, काले कानून को वापस लिया जाए, और किसान जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, और सारी जनता हिंदुस्तान की सारी जनता किसानों के साथ है। और भाई ये रेखा मेमोरियल ट्रस्ट जो है समय से वह भलाई का काम करता है, हमने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, बहुत विकलांगों को सामान भी दिया है, अब लॉकडाउन के अंदर राशन भी हम लगातार बांटते रहे हैं, सूखा राशन भी बांटते रहे हैं और भोजन भी खिलाते रहे हैं, और आज ये किसानों के लिए हमने यहाँ से 3 ट्रक जो है वो रवाना किए हैं, और आगे भी जरूरत पड़ी रेखा मेमोरियल ट्रस्ट जो है आगे और भी सामान भेजेगा, और रेखा मेमोरियल ट्रस्ट जो है हमेशा भलाई के काम के लिए बनाया गया और ये भलाई का काम चलता रहेगा।